आज दिनांक 7/12/2024 को जनपद गोंडा में ऑपरेशन साइबर कवच के अंतर्गत साइबर थाना द्वारा 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये साइबर अपराधी किसी भी एजेंसी मालिक से बात करते थे और उनसे एक निश्चित तय राशि में कुछ सामान खरीदने की बात करते थे, फिर उस सामान को खरीदने के लिए कहते थे बाद में पैसे का पेमेंट हम पहले कर देंगे। कुछ दिन बाद जिस दिन बैंक बंद रहता था या उसके एक दिन पहले इनके द्वारा एक कूटरचित मैसेज उस एजेंसी मालिक को भेज दिया जाता था और उसके साथ किसी ग्राहक सेवा केंद्र का QR कोड भेज दिया जाता था। कहा जाता था कि मेरे द्वारा तयशुदा राशि से कुछ पैसे ज़्यादा भेज दिए गए हैं, आप जो पैसे मैंने ज़्यादा भेजे हैं इस QR कोड पे वापस कर दीजिए। इनकी बात पे वो विश्वास करके एजेंसी मालिक वो ज़्यादा पैसे वापस कर देता था। जब बैंक खुलता था वो अपने बैंक जाके चेक करता था तो पता चलता था कि उसके बैंक में कुछ पैसा ही नहीं आया है। उसकी शिकायत करने पर जो QR कोड जिस अकाउंट से संबंधित होता था पता चलता था कि वह एक QR कोड किसी ग्राहक सेवा केंद्र का है, वहां का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता था। इसमें 2 अपराधी जीवननाथ तथा कमलेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, यह देवरिया और बस्ती जिले से भी जेल जा चुके हैं। इनके पास से एक कीपैड मोबाइल, एक स्मार्टफोन मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है और कुछ फ्रॉड के पैसे भी बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध साइबर थाने में 2 अभियोग पंजीकृत हैं जिसकी विवेचना चल रही है। विवेचना में सच के आधार पर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।